मेरा नाम स्वतंत्र गोयल है और आज मैं 47वीं बार ब्लड बैंक श्री ब्लड बैंक जो हॉस्पिटल रोड पर बना हुआ है वो मैं रक्तदान करने गया हुआ था, क्योंकि एक झांसी का पेशेंट है उनको जो ब्लड कैंसर है उनको रक्तदान करने गया हुआ था। तो सारी बात है कि हर बार रक्तदान करते रहते तो हमें कोई डर भी नहीं था कि रक्तदान में कोई दिक्कत होगी, लेकिन जब रक्तदान करने गया तो मैंने वहाँ जो रक्त निकाल रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे को 10 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के जाना पड़ता है तो मैंने हाथ में कॉटन की पट्टी बांध देना रक्त निकालने के बाद। तो नहीं ठीक है हम बांध लेंगे, लेकिन रक्त निकालने के बाद तो बिल्कुल वो ऐसे होगा जैसे हम मुझे जानते ही नहीं है और मुझसे कहते हैं हम कॉटन की पट्टी नहीं बांधते, कभी इस पर टालते रहे कभी उस पर टालते रहे और एक प्रकार से मुझे ऐसी परिस्थिति देखने लगी कि जैसे मैंने रक्तदान करके बहुत गुनाह कर दिया हो। थोड़ी देर बाद 40-45 मिनट बाद मुझे हल्के से चक्कर से कमजोर सी महसूस होने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे को थोड़ी कमजोर सी महसूस हो रही है, कोई फ्रूटी वगैरह हो या पानी वगैरह हो तो दे, तुमने फ्रूटी वगैरह देने से मना कर दिया, कहा कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं देते, कह रहे कि नमकीन का पैकेट हो छोटा सा मतलब 2 रुपये या 3 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट था वो पका लिया कि आपको उसको खाना है तो खाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि शहर में जो रक्तदान स्वेच्छा से करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी निंदनीय घटना है, आदमी जो स्वेच्छा से रक्तदान कर रहा है शायद अब आगे आके रक्तदान करने की कोशिश नहीं करेगा। कौन वो लोग थे और क्या आपको इस टाइप के किसी का नाम पता है जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? नाम नहीं मालूम क्योंकि मैं पहली बार गया था रक्तदान करने। हाँ। नाम चेहरा जरूर ध्यान है और चेहरे भी आधे ध्यान है क्योंकि वो मास्क लगाए हुए थे, वहाँ का पूरा स्टाफ था, मालिक नहीं थे ये थे, स्टाफ था पूरा। जैसा कि केंद्र सरकार रक्तदान के क्षेत्र में युवा को प्रोत्साहन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है विज्ञापन में और वहीं दूसरी तरफ आपके साथ ऐसी दुर्घटना होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो ब्लड बैंक है इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो आज कोविड जैसी महामारी में जो अन्य महामारी में जो रक्त स्वेच्छा से देने आते हैं वो लोगों का जीवन बचाते हैं, कल को इन रक्तदाताओं का अभाव पड़ जाएगा और लोगों की जान बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या ऐसा भी लगता है कि शहर में जो 3 ब्लड बैंक के बंद हैं उसको लेकर ये एक अकेली प्राइवेट बैंक ब्लड बैंक चालू है तो कहीं ना कहीं मनमानी दिख रही है? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हम इमरजेंसी वाले और ब्लड बैंक में जाते थे, वहाँ हमारे साथ कभी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन ये पहली ब्लड बैंक निकली जो इसमें इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ और आज मेरा मतलब मन इतना इकट्ठा हो गया कि शायद मैं अगली बार रक्तदान करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा मुझे। अब आगे आप क्या चाहते हैं? आगे भैया इस ब्लड बैंक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ऐसा अन्य लोगों के साथ नहीं हो।